नमस्कार दोस्तों, एशियन राइटर ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आज हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा डिटेल से कि यह एक्सप्रेसवे कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, बीच में किन किन राज्यों के बीच से होके गुजर रहा है, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है और पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बन रहा है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। इसकी खासियत ऐसी है कि आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। इसके बारे में जानकर, भारत में जल्द ही आपको दिल्ली और मुंबई के बीच देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई करीब 1305 किलोमीटर है। जनवरी 2023 तक ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे भारत में विकास का एक और बड़ा काम होने जा रहा है। यूँ कहिए कि कार्य प्रगति पर है, बस कुछ ही समय में आपको नतीजे दिखने लगेंगे। भारत में जल्द ही आपको दिल्ली और मुंबई के बीच देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1305 किलोमीटर, जिसे बनाने में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसकी जानकारी दी। जनवरी 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को 2018 में शुरू किया गया था और 9 मार्च 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई। 1000 किलोमीटर से भी अधिक का कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है और काम चल रहा है। दिल्ली से दौसा सेक्शन जयपुर को जोड़ेगा, जो जयपुर एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, और वडोदरा से अंकलेश्वर का सेक्शन इकोनॉमिक हब भरूच को जोड़ेगा। ये दोनों सेक्शन इसी साल यानी नवंबर 2021 तक शुरू हो जाएंगे। जनवरी 2023 तक ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे कुल 5 राज्यों से गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। ये एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे इकोनॉमिक हब के लिए भी शानदार कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। ये एक्सप्रेसवे 5 साल में बन जाएगा, जो काफ़ी तेज काम है। बता दें कि 1167 किलोमीटर की इंडोनेशिया की ट्रांस जावा रोड 2019 में 2 दशकों के बाद बनकर तैयार हुई। वहीं करीब 217 किलोमीटर का जापान का सिंटोमा एक्सप्रेसवे जापान में 2000 में बनकर तैयार हुआ, जिसे बनने में करीब 1 दशक का समय लगा। एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातें जिन पर आपको होगा गर्व। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी। दिल्ली से मुंबई जाने में लगने वाला समय 24 घंटे से घटकर आधा यानी 12 घंटे हो जाएगा। इससे हर साल करीब 32 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत होगी। इसकी वजह से सालाना करीब 85 करोड़ किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनेंगे, ताकि जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत ना हो। इस एक्सप्रेसवे में 3 अंडरपास हैं और 1 ओवरपास है। यह एक्सप्रेसवे बनाने में 5 लाख टन से भी अधिक स्टील लगेगा, जो करीब 20 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। करीब 50 करोड़ क्यूबिक मीटर जमीन को मूव किया जाएगा, जो 60 लाख ट्रक टिप्स के जरिए होगा। इसमें 35 लाख टन सीमेंट लगेगा, जो देश के कुल प्रोडक्शन का करीब 1% है। इस एक्सप्रेसवे से लगभग 15 लाख मजदूरी के दिन पैदा होंगे, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। काम में तेजी लाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें ड्रोन से सर्वे हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की डिटेल। इसके अलावा इसमें ऐसे कई उद्योगों का भी निर्माण होगा इस रोड के आसपास, और कई इंडस्ट्रियाँ भी आएगी, जिससे कि रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर बनेंगे
और इससे महंगाई भी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रोड से सुविधाएं होने वाली है आने वाले समय में। यह रोड बहुत ही आकर्षक और दुनिया का प्रसिद्ध रोड होने जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे भारत का इतिहास, एक नया इतिहास रचने वाला है भारत के इतिहास में, जो भारत की राजधानी दिल्ली को भारत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।